नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं संजीत और मेरा मेजिटेक चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और फ्रेंड्स, आज आपको मीडी फोल्डर के बारे में बताने वाला हूं कि मीडी फोल्डर से आप कैसे ऑपरेट करेंगे, क्या क्या ऑपरेट करेंगे और क्या क्या फंक्शन है मीडी फोल्डर के अंदर। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम एक पैच ले लेते हैं। चलिए, इसमें तो फ्रेंड्स मैं बताना चाहेंगे कि सबसे पहले मेडी फोल्डर में जाएंगे। अब मेडी के बारे, तो मेडी जैसे ही हम मेडी पे क्लिक करेंगे तो एक मैसेज टाइप नोट या ब्लिंक करता हुआ आपको दिखाई देगा। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको करना क्या है, इसको एंटर कर देना है। जैसे एंटर कीजिएगा तो आपको स्टैक मोड स्टैक एक ब्लिंक करता हुआ दिखाई देगा। अगर आपका नेट अच्छा कनेक्शन होगा तो आपको LED पे पता चलता होगा। तो फ्रेंड्स, कहने का मतलब है कि हम यहाँ पे फिलहाल मेरा 3 टोन मिक्स है, आपको सुनाई पड़ता होगा, यहाँ पे 3 टोन मिक्स है फ्रेंड्स। तो अब ये स्टैक मोड में है तो हम जितने भी टोन है हम हिट कर रहे हैं एक बार, तो तीनों का तीनों एक ही बार में एक हिट में तीनों प्ले हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, एक ही बार में प्ले हो रहा है यहाँ पे। अब इसके बाद एक बार प्लस करेंगे तो अल्टरनेट, अल्टरनेट कहने का मतलब है कि फ्रेंड्स यहाँ पे आपको जितना भी एक बैंक में हम जो जो भी ट्यून मिक्स किए हैं, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 टोन मिक्स किए हुए थे। अभी स्टैक मोड में करेंगे तो आपको पता चलेगा यहाँ पे कीक है, स्नेयर है और ऑर्केस्ट्रल परकशन मिक्स है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम जैसे एक बार प्लस करेंगे तो अल्टरनेट, अल्टरनेट कहने का मतलब है फ्रेंड्स कि यहाँ 3 टोन मिक्स था लेकिन तीनों एक एक करके प्ले होगा, अल्टरनेट प्ले होगा। तो सबसे पहले स्नेयर, फिर आपका किक, फिर आपका ऑर्केस्ट्रल परकशन, आपको बारी बारी ऐसे ही प्ले होते रहेगा। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स आपको फिर प्लस करेंगे तो आपको एक मोड होल्ड फोल्डर खुलेगा। मोड होल्ड का मतलब कहने का मतलब यह है फ्रेंड्स कि आपको एक बार प्ले करेंगे तो बजेगा, सेकंड टाइम में जैसे हिट करेंगे तो वो होल्ड हो जाएगा। देख सकते हैं, जैसे ये प्ले हुआ सेकंड टाइम में ऑफ हो गया, ये प्ले हुआ फिर सेकंड टाइम में ऑफ हो गया, फिर प्ले हुआ फिर ऑफ हो गया। तो ये इसका बहुत यूज है फ्रेंड्स, इसको ध्यान में रखना होगा आपको। ठीक है, तो इस फोल्डर के बारे बता दिए, अब चलिए बैक आते हैं फिर से। उसके बाद एक बार राइट एरो पे क्लिक करेंगे फ्रेंड्स तो आपको यहाँ पे नोट, ये नोट मिक्सिंग के काम में आता है फ्रेंड्स। जब हम एक ही बॉक्स में हमको 3-4 जैसे यहाँ पे 3 मिला हुआ है तो इसी फोल्डर के माध्यम से आप मिला सकते हैं। यहीं पे आना पड़ेगा आपको, नोट पे ही आके आपको मिलाना मिक्स करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मिक्सिंग का काम आता है। उसके बाद फिर से राइट क्लिक करेंगे तो ये मीडी है फ्रेंड्स, इसको कुछ नहीं करना है, रहने देना है। उसके बाद गेट टाइम, गेट टाइम के बारे में पहले वीडियो में भी बता चुके हैं फ्रेंड्स। गेट टाइम इसलिए है फ्रेंड्स, इसका यूज हम तभी करते हैं जब हमको टोन को लगता है कि कभी किसी टोन को लॉन्ग टाइम से प्ले करना हो या उसका टाइमिंग कम करना हो। तो उससे पहले फ्रेंड्स आपको करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले गेट टाइम को यूज करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, उस तो एक बार प्लस पे फिर से राइट एरो पे क्लिक करना पड़ेगा। राइट एरो पे क्लिक करने के बाद एक रिकवरी ऑफ फोल्डर खुलेगा, इस फोल्डर को आपको ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद फिर से आपको बैक आ जाना है। अब यहाँ पे हम टाइमिंग सेट कर सकते हैं, अब यहाँ का टाइमिंग चाहे जितनी चाहे हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, हम चाहें तो जितना कम करना चाहें कर भी सकते हैं, यहाँ पे कट अप कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इसका यूज है। उसके बाद फिर से एक बार राइट एरो पे क्लिक करेंगे तो वॉल्यूम लिमिट है, इसको कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स, इसको छेड़ना नहीं है, छेड़ने से सेटिंग आपका प्रॉब्लम हो सकता है।
ठीक है। उसके बाद फिर से एक बार राइट एरो पे क्लिक करेंगे तो आपको वेरिएबल, एक ट्रेवल वेरिएबल, एक फोल्डर खुलेगा। इस फोल्डर से हम ये कर सकते हैं फ्रेंड्स कि किसी भी मिक्सिंग जो बॉक्स पे है, जैसे इसमें हम तीन टोन मिक्स कर रखे हैं, इसका अगर साउंड लेवल हमको कम करना हो तो इस ट्रेवल एक ही साथ अगर तीनों का वॉल्यूम अगर लो करना हो तो आप इस ट्रेवल वेरिएबल के माध्यम से कर सकते हैं। करना क्या है, इसमें हम जैसे ही प्लस करेंगे तो इसका वॉल्यूम ऑफ हो जाएगा और नंबरिंग जैसे ही इसका बढ़ता चला जाएगा इसका वॉल्यूम भी बढ़ता चला जाएगा। सुनाई पड़ता होगा आपको, 127 करेंगे तो ये मेरा फुल वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और इसका ज़रूरत तब पड़ता है फ्रेंड्स जब हम मिक्स करते हैं, मिक्सिंग टोन का वॉल्यूम सारा का लेवल कम करना पड़ता है, क्योंकि जो हम पर्सनल वॉल्यूम का जो सिस्टम है, जैसे यहाँ पे है आपका पर्सनल वॉल्यूम, हम यहाँ पे अगर जब देखेंगे जाएंगे तो पर्सनल वॉल्यूम में जो ए बैंक में मेरा सेलेक्ट टोन है बस उसी का वॉल्यूम कम होगा। जैसे यहाँ पे की ए बैंक में मैंने किक रखा है तो अभी हम अगर लो करेंगे तो सिर्फ किक का लो हो, लेकिन ये ऑर्केस्ट्रल परकशन का लो नहीं हुआ। तो इसी समस्या के समाधान के लिए हम रिकवरी फोल्डर का यूज करते हैं। रिकवरी में जाके वॉल्यूम लेवल कम करने से यहाँ पे जितना भी टोन मिक्स रहता है सबका एक साथ वॉल्यूम कम कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही था। अब मिलते हैं आगे के वीडियो में, तब तक के लेते हैं विदा। फ्रेंड्स अभी तक आपने अगर मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो आप प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर जरूर कीजिए। और किसी भी तरह का आपको परेशानी होता है इस फेड में, आप समझ नहीं पा रहे हैं तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए। और हाँ, मैंने प्रत्येक वीडियो का लेसन वाइज नंबरिंग करके अपलोड कर रखा है, आप शुरू से देखना चाहेंगे तो लेसन 1, 2, 3, 4 आप लेसन वाइज देखिए तो आपको पूरी अच्छी डिटेल से समझ में आएगा। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही सा, मिलते हैं अगले वीडियो में।